हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं रोज की तरीके से हमारा टेक ट्रेनिंग चैनल। और आज मैं इतनी सारी चीज़ों को लेकर के हाजिर हूं आप सभी लोगों को कुछ दिखाने के लिए, और मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल इंजीनियर बना दिया जाए। तो देर किस बात की है, आइए एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी दे दूं कि जो हार्ड डिस्क होती है वो दो तरीके की होती है। एक हार्ड डिस्क होती है जो पीसी के अंदर लगती है, पर्सनल कंप्यूटर, जो बड़े वाले बॉक्स वाले कंप्यूटर होते हैं जिसमें मॉनिटर अलग होता है और सीपीयू अलग होता है। उसमें 3.5 इंच यानी 3.5 इंच की हार्ड डिस्क लगती है, जो कि ये वाली हार्ड डिस्क है। ये बड़ी हार्ड डिस्क, ये थोड़ा सा बड़ी होती है, ये पीसी वाली हार्ड डिस्क इसको बोलते हैं। ये देखिए, हाथ पर रखने से इतनी बड़ी की साइज होती है। एक ये बड़ी वाली हार्ड डिस्क हो गई, यानी इसकी साइज 3.5 इंच की। ये मेरे पास दो हार्ड डिस्क है, ये देखिए नजदीक से, मेरे पास ये दो हार्ड डिस्क है। एक है 2 TB की और एक है 1 TB की। और दूसरी वाली हार्ड डिस्क जो लैपटॉप के अंदर लगती है, उस हार्ड डिस्क की साइज होती है 2.5 इंच, और वो हार्ड डिस्क ये है, वो हार्ड डिस्क हमारी ये है। लेकिन ये जो मैं हार्ड डिस्क लिया हूँ, इसमें दो तरीके की हार्ड डिस्क, इसमें भी दो तरीके की है। एक ये हार्ड डिस्क HDD जिसको बोलते हैं सिंपली, जिसके अंदर प्लेटर और हेड होता है जो रोटरी सिस्टम मोटर सिस्टम पे काम करती है। और दूसरी वाली हार्ड डिस्क होती है, इसको कहते हैं SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको कहते हैं। ये टोटल चिप बेस्ड होती है, इसमें मेमोरी चिप्स लगी होती हैं, फ्लैश चिप्स लगी होती हैं, जिसके जरिए डेटा को स्टोर करती है और साथ ही साथ डेटा को ट्रांसमिट करती है और रिसीव करती है। राइट रीड राइट का जो सारा काम होता है वो हेड प्लेटर से इसमें नहीं होता है। बहुत हल्की होती है, बिल्कुल हल्की, ये देखिए बिल्कुल हल्की है, एकदम हल्की। तो ये है SSD। इन दोनों में से ये जो SSD है, इसकी जो रीड राइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क के मुकाबले SSD की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम प्राइमरी पार्टीशन के तौर पे, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसके तौर पर हम SSD का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ SSD और HDD की बात। इसको ऐसे ही रख देते हैं। हमने बात कर ली बड़ी हार्ड डिस्क यानी डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क जो पीसी में लगती है, बड़े वाले सिस्टम में लगती है, उसकी हार्ड डिस्क जिसकी साइज 3.5 इंच की होती है, और ये छोटी वाली हार्ड डिस्क जिसकी साइज 2.5 इंच की होती है। तो हम दोनों को किस तरीके से एक्सटर्नल USB के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि छोटी वाली हार्ड डिस्क जो 2.5 इंच की हार्ड डिस्क होती है उसको हम कैसे क्या करते हैं। देखिए, इसमें ये जो होता है ये होता है कनेक्टर, हार्ड डिस्क साटा कनेक्टर इसको बोलते हैं। इसमें एक पावर के लिए होता है, एक डेटा के लिए होता है। ये बड़ा वाला पावर के लिए, छोटा वाला डेटा के लिए। तो ये हो गया इसका कनेक्टर की डिटेल। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखिए इस तरीके से एक बॉक्स, या इसको अटैचमेंट कहते हैं, हार्ड डिस्क अटैचमेंट, 2.5 इंच हार्ड डिस्क अटैचमेंट ये इस तरीके से आता है, और जो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क अटैचमेंट होता है वो इस तरीके से बड़ा वाला होता है। तो पहले हम इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो 2.5 इंच का हार्ड डिस्क अटैचमेंट है, देखिए मार्केट के अंदर कई तरीके का आता है। एक जेनरिक होता है, आमतौर पे जेनरिक यानी कोई स्टैंडर्ड कंपनी का उसका नहीं होता है, और उसकी क्वालिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हमें चाहिए कि हम जेनरिक वाला ना लेकर के हम किसी कंपनी का ले लें। जैसे मेरे पास ये ओरिको का है, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ ओरिको की, या उसका कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। ये काफ़ी दिन पहले मेरे पास ये लगभग 2 साल से इस्तेमाल हो रही है, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, 3 साल हो गया होगा तब से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई है। तो इस तरीके की बहुत सी कंपनियां हैं जो अमेजोन पे या और भी जो ऑनलाइन साइटें हैं उनके ऊपर हम हार्ड डिस्क अटैचमेंट, 2.5 इंच हार्ड डिस्क अटैचमेंट, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैचमेंट, ये करके हम अगर सर्च करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स की अटैचमेंट मिल जाएंगे। ये थोड़े से महंगे होते हैं, 200-300 महंगे होते हैं, जो जेनरिक आते हैं आमतौर पर मार्केट के अंदर उनसे थोड़ा सा महंगे होते हैं। लेकिन महंगे का मतलब ये नहीं है कि हम महंगे की वजह से इसको ना खरीदें। इसको खरीदने से हमें फायदा ये होता है कि जब हम इसको खरीद लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस बनी रहती है, हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हार्ड डिस्क में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर हम हार्ड डिस्क सही तरीके से इस्तेमाल ना करें, बार बार अटैच और डिटैच होती रहती है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होती रहे, या हमारा जो अटैचमेंट है वो सही ना हो, तो क्या होगा कि हार्ड डिस्क हमारी बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगी, तो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर्स आ जाएंगे, पार्टीशन हमारा खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी हार्ड डिस्क भी खराब होने का खतरा है, और हमारी जो फाइलें हैं हार्ड डिस्क के अंदर वो फाइलें भी हमारी डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है। जिससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम जेनरिक ना खरीद करके हम अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का किसी ब्रांड का हम खरीदें, भले ही 200-300 ज्यादा कीमत अदा करनी पड़े। वैसे आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर है आप किस तरीके का पसंद करें, लेकिन मेरी जो पसंद है मेरी यही है कि मैं स्टैंडर्ड चीज़ें, अच्छी चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ों के अंदर क्वालिटी होती है, और थोड़ा सा भले ही वो महंगे होते हैं उससे हमारी चीज़ों की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है। तो बात करते हैं हम इस अटैचमेंट की। हम क्या करेंगे, इस अटैचमेंट को यहाँ से, ये एक कवर बना हुआ है, इस कवर को हम यूँ ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे ये चढ़ करके बैठ जाएगा। देखिए इस तरीके से हम यहाँ से ऐसे करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे हम इसको
सरकारी। चाहे हम HDD का इस्तेमाल करें, 1 TB की HDD है देखिए, और इसमें एक कनेक्टर, एक तरफ ये छोटा डेटा कनेक्टर है, एक तरफ ये जो है ये बड़ा है, ये बड़ा वाला पावर कनेक्टर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्टर किस तरफ है। इसके अंदर भी यहाँ दिख रहा है दो टाइप का कनेक्टर, इसके अंदर एक ही में बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, दोनों की साइज की मिलान करेंगे किस तरफ से, और एक इसके अंदर पॉइंट्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स दोनों किनारे पे बने हुए हैं। ये पॉइंट को मैच कराते हुए हम सीधे इसी पे रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, यूं ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए बैठ गया, खींचने से निकल आता है, ऐसे खींचेंगे तो निकल आएगा, ये बैठ गया। अब इसके ऊपर से हम ढक्कन लगा देते हैं, ऐसे लगा देंगे ढक्कन, ढक्कन लगा दिया। ये है हमारी डेटा केबल, ये USB 3.0 सपोर्टेड डेटा केबल है। USB 3.0 और USB 2.0 में फ़र्क क्या होता है कि इसके अंदर जो पिन होते हैं, USB 2.0 के अंदर 4 पिन होते हैं, ओनली 4 पिन्स, और USB 3.0 के अंदर हमारे 4+5 होते हैं, 5+4 टोटल 9 पिन्स, ये टोटल 9 पिन्स हो गए। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे तो 9 पिन होगा। ये USB 3.0 सपोर्टेड केबल है। इसमें क्या होता है, USB 3.0 में डेटा ट्रांसफर USB 2.0 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कनेक्टर बना हुआ है, इस कनेक्टर में हम इसको सीधे कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क अटैचमेंट मंगा करके, जो भी लैपटॉप की हार्ड डिस्क है उसको इसमें अटैच करके हम इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पे डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसको USB 3.0 को USB 3.0 पोर्ट के अंदर कनेक्ट करेंगे। देखिए USB 2.0 से भी ये चलेगा, लेकिन USB 2.0 में लगाने से कोई फायदा इसका नहीं हुआ। इसका फायदा तब होगा जब USB 3.0 के अंदर लगाएं, क्योंकि USB 3.0 सपोर्टेड जो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर के अंदर ही इसका सपोर्ट होने की वजह से डेटा ट्रांसफर हमको मिलेगा, अच्छा डेटा ट्रांसफर मिलेगा। और USB 2.0 पे लगा देंगे तो सिर्फ ये काम तो करेगा लेकिन उतनी अच्छी स्पीड हमको नहीं मिलेगी। साथ ही हम चाहें इसको भी इसी में ही अटैच कर सकते हैं, इसको निकाल देंगे, ऐसे करके निकाल दिया, निकालने के बाद इसको उठाया और सीधे मैच किया, मैच करा के यूं ऐसे प्रेस कर, ये बैठ गया। अब इसको ऊपर से ऐसे ढक्कन लगा दिया। ये हमारी एक्सटर्नल USB हार्ड डिस्क तैयार है, USB 3.0 सपोर्टेड विद हाई स्पीड। हम इसी चीज को कंपनी से खरीदेंगे तो वो लगभग 4.5-5 हज़ार की आएगी, और हम इसी को हम चाहें तो अपने लैपटॉप में जो हमारी हार्ड डिस्क है उसको SSD से रिप्लेस कर दें, और जो उसमें से रिप्लेसमेंट निकलता है उसको ऐसे अटैचमेंट मंगा करके उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक SSD जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, उससे कंप्यूटर की स्पीड हमारी अच्छी हो गई, और साथ ही जो हार्ड डिस्क उसके अंदर से निकल रही है हम उसको अलग से टर्नल स्टोरेज के तौर पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब किनारे रख देते हैं। अब बात करते हैं 3.5 इंच, 3.5 इंच की हार्ड डिस्क के लिए बात करते हैं कि हम इसको कैसे अटैचमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें। अब देखिए एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, इस बार कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम उसको निकाल करके किसी और सिस्टम के अंदर लगा करके उसके डेटा को रिकवर करें, या उसके ऊपर कुछ काम करें, या उससे डेटा को कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पर रखना है, या उसको फॉर्मेट करना है। इस तरीके का बहुत सारा काम होता है जो सिस्टम खराब होने की वजह से सिस्टम से नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम ये जो चीज़ है उसके लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होती है। हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को निकाल के इसके अंदर अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद ले जा करके दूसरे सिस्टम पे लगा के इसके अंदर का डेटा निकालते हैं, और साथ ही साथ इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, पार्टीशन को रिपेयर भी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, इसमें आने वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3.5 इंच वाली जो हार्ड डिस्क है, ये बड़ी वाली हार्ड डिस्क है, PC के लिए यूज़ होती है। ये मेरे पास दो है, एक 2 TB की हार्ड डिस्क है और एक 1 TB की हार्ड डिस्क है, एक 1 TB और ये दूसरी वाली 2 TB। जिस तरीके से छोटी हार्ड डिस्क में कनेक्टर्स होते हैं उसी तरीके से बड़ी वाली हार्ड डिस्क में भी कनेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही। अब देखिए छोटी वाली हार्ड डिस्क में और बड़ी वाली हार्ड डिस्क में फ़र्क क्या रहता है अटैचमेंट बनाने के लिए। छोटी वाली हार्ड डिस्क के अंदर हमें डायरेक्ट अटैचमेंट के अंदर लगा देना होता है, बस वो हार्ड डिस्क रन करना शुरू हो जाती है। लेकिन बड़ी हार्ड डिस्क में क्या है, 12 वोल्ट का एडाप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर अगर 12 वोल्ट की सप्लाई हम नहीं देंगे तो इसके प्लेटर और हेड नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर की खपत होती है, इसलिए इसमें अलग से एक्सटर्नल पावर देना पड़ता है, तब जा करके ये हार्ड डिस्क रन करती है, तब जा करके हम इसमें से डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं, ये है हमारा अटैचमेंट। इसमें पीछे की साइड में देख सकते हैं एक पावर बटन है और एक DC पावर सप्लाई कनेक्टर है और एक USB 3.0 कनेक्टर है, आप इसको देख सकते हैं नज़दीक से। और साथ ही साथ यहाँ पर ये तीन LED इंडिकेटर है, एक पावर के लिए है, एक डेटा ट्रांसमिट के लिए, एक हार्ड डिस्क की पोजीशन बताने के लिए कि हार्ड डिस्क रन कर रही है या नहीं रन कर रही है। इन ये तीनों इंडिकेटर्स हैं, इनसे हम देख सकते हैं कि
सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर पावर आया या नहीं आया, हार्ड डिस्क रन कर रही है नहीं कर रही है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा यूएसबी 3.0 सपोर्टेड 3.5 इंच हार्ड डिस्क के लिए अटैचमेंट, जिसमें एक्सटर्नल पावर की भी जरूरत होती है। तो हमको हम इसको भी इस तरीके से खोलते हैं, ऐसे ही लगा होता है। देखिए कितना बढ़िया सा स्लाइड हो रहा है। ये है इसका ऊपर का कवर और ये अब आ गया इसका अटैचमेंट का इंटरनल पार्ट। यहाँ पे भी कनेक्टर बना हुआ है। हमको करना क्या रहता है, कनेक्टर के अंदर जो पॉइंट्स कट पॉइंट्स बने होते हैं दो, और इसके अंदर भी दो पॉइंट्स बने होते हैं, उन्हीं कट पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट को किनारे वाले को मैच करा करके और सीधे इसके अंदर यूं रखते हैं, ऐसे ऐसे रख दिया, और रखने के बाद यूं ऐसे हल्का सा प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से अटैच कर दिया। ये हो गया हमारा 3.5 इंच हार्ड डिस्क डेस्कटॉप पीसी की हार्ड डिस्क के लिए एक्सटर्नल यूएसबी 3.0 अटैचमेंट। हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पर। यूएसबी 3.0 एक्सटर्नल स्टोरेज बहुत ही हाई स्पीड और बहुत ही बेहतरीन, चलो बहुत ही बेहतरीन। अब ये तो हो गया हमारा इसका अटैचमेंट में कनेक्ट करने की प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। ये है हमारा एडॉप्टर 12 वोल्ट का एसी टू डीसी एडॉप्टर, यानी 240 वोल्ट एसी से 12 वोल्ट डीसी कन्वर्ट करने के लिए एडॉप्टर है। अब इस एडॉप्टर को हम क्या करते हैं, सीधे हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सीधे इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और ये दूसरा वाला हिस्सा हम इसको लगा देते हैं पावर सप्लाई से। यहाँ पावर सप्लाई से लगा दिया। ये जो है यूएसबी 3.0 ये हार्ड डिस्क अटैचमेंट के अंदर कनेक्ट करने के लिए इसका पोजीशन हम देख लेते हैं किस तरीके का है। जैसे ए बना होता है ना, उस तरीके का है। तो इसकी शेप को यहाँ से मैच कराते हुए हम इसको ऐसे इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट होगा, टिक करके आवाज़ आएगी, कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा दूसरा हिस्सा, हम इसको सीधे अपने पीसी के अंदर ले जा करके कनेक्ट कर देंगे। मैंने पहले भी बताया कि यूएसबी 3.0 सपोर्टेड डिवाइसेस को यूएसबी 3.0 पोर्ट के अंदर ही कनेक्ट करना चाहिए। हमारे पीसी के अंदर दो टाइप के पोर्ट होते हैं, यूएसबी 2.0 यूएसबी 3.0, लेकिन उसमें पिन से हम पता पाते हैं और उसकी कलरिंग भी थोड़ा सा कभी कभी कलर भी अलग होता है। जैसे इसमें ब्लू है तो इसका कलर ब्लू है, ऐसे ही पीसी में भी ब्लू या येलो कलर का रहेगा। कलर नहीं अगर है तो भी आप उसको लाइट जलाएंगे अंदर देखेंगे तो पीछे की रो में, यहाँ पीछे की साइड में आपके 5 पिन्स होते हैं और आगे की साइड में इसमें 4 पिन होते हैं। इस तरीके से पीसी के अंदर जब देखेंगे तो पीछे की साइड में 4 होते हैं, आगे की साइड में 5 होते हैं। तो ये टोटल 9 पिन पे काम करता है। इसको यूएसबी 2.0 पे लगाएंगे तो भी वो काम करेगा। जो परफॉर्मेंस यूएसबी 3.0 के साथ मिलेगी, डेटा ट्रांसफ़र रेट और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र मिलेगा, वो 2.0 पे नहीं मिलेगा। तो मतलब ये हो गया कि इस कनेक्टर को यूएसबी 3.0 कनेक्टर को यूएसबी 3.0 पोर्ट में ही कनेक्ट करने से इसका फ़ायदा मिलता है। ये आपका हो गया हार्ड डिस्क का एक्सटर्नल अटैचमेंट। देखिए इसको जब हमने पावर पोर्ट में लगाया और यहाँ पे इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए लाइट जल रही है, यहाँ पे लाइट जल रही है। अब इसको हम जब यहाँ पे यूएसबी 3.0 पोर्ट के अंदर कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर से समझ में आएगा कि ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, हार्ड डिस्क चल रही है और यहाँ पे पावर ऑन है। इस तरीके से ये काम करती है, ये देख सकते हैं। तो अब मैं इसको अपने पीसी के ऊपर एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे पीसी के ऊपर भी इसके जो पार्टीशन है वो बन करके आ गए हैं 1.81 TB। तो मैं सक्सेसफुली इसको कनेक्ट कर दिया हूँ और मेरे पीसी पे दिखा रहा है। इस तरीके से आप किसी भी 2.5 इंच या 3.5 इंच की हार्ड डिस्क को यूएसबी अटैचमेंट लगा करके एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज के तौर पर या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पर खुद ही बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से कि 400 से 500 या 600 के आसपास ये छोटी वाली का आएगा और लगभग 1200 या 1300 के आसपास ये इसका आएगा जो ये वाला है बड़ी वाली हार्ड डिस्क के लिए। क्योंकि यूएसबी 3.0 सपोर्टेड है तो यूएसबी 3.0 सपोर्टेड जो डिवाइसेस होती हैं उसके जो अटैचमेंट आते हैं वो थोड़ा सा 2.0 से महंगे आते हैं। हमेशा याद रखिए कि किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी का ही ये मटेरियल खरीदें ताकि हमारी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस, डेटा स्टोरेज, हमारा डेटा, सबसे ज़रूरी है कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे। आज के टॉपिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी हासिल कर सकें। और साथ ही जो लोग नए हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट बना करके लाएं और आप लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली टेक्निकल वीडियोस और इस तरीके की बेहतरीन किस्म की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप भी इससे फ़ायदा उठाते रहें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।